हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका देव फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे डी फॉर्म सेकेंडर का सब्जेक्ट फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स, जिसका चैप्टर नंबर 21 का शॉर्ट थ्योरी के बारे में बात करेंगे। मतलब आपको एग्जिट एग्जाम के लिए शॉर्ट थ्योरी पढ़ाएंगे, जिससे दोस्तों अगर आप शॉर्ट थ्योरी पढ़ लेंगे तो आपको मल्टीपल चॉइस पढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आपको देव फार्मेसी का एग्जिट एग्जाम का बैच चाहिए तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लीजिए, वहाँ पर ऐप की लिंक दी गई है। 500 रुपीज़ में आपका पूरा एग्जिट का बैच हम कंप्लीट करेंगे। और अगर आपने वहाँ से डाउनलोड नहीं करते हैं तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके और वहाँ से मेरे एग्जिट के बैच को परचेज करके पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे, वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। तो बात करेंगे मेडिकल डिवाइसेस के बारे में। तो मेडिकल डिवाइसेस क्या होती हैं, इनके बारे में बात करेंगे, इनके क्या क्या क्लासिफिकेशन होते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो डेफिनेशन इनकी लिखी हुई है, मेडिकल डिवाइसेस कोई इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, कोई ऑपरेटर्स हो सकते हैं, कोई मशीन हो सकती है, कोई आर्टिकल हो सकते हैं। यानी जो मेडिकल डिवाइस यानी कुछ भी हो सकता है, जैसे इंस्ट्रूमेंट, ऑपरेटर्स, मशीन, आर्टिकल हो सकते हैं, जिनका यूज़ किसी डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए किया जाता है, प्रिवेंट करने के लिए, या अदर मेडिकल कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं, उसे ही मेडिकल डिवाइसेस कहा जाता है। दोस्तों जैसे आप MRI कराते हैं, एक्सरा कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उसमें जो डिवाइसेस यूज़ होती हैं, ब्लड प्रेशर को चेक किया जाता है, वह भी आपकी एक प्रकार की डिवाइस होती है। जितना भी मेडिकल लाइन में डिवाइस यूज़ की जाती हैं तो दोस्तों उन्हीं को कहा जाता है मेडिकल डिवाइस। और इसी के बारे में आपको पढ़ना है शॉर्ट में, क्योंकि आपका चैप्टर दिया हुआ है, चैप्टर 21 आपका इथिक्स के अंदर। तो दोस्तों उन्हीं को सबको जो है मेडिकल डिवाइसेस कहा जाता है। तो दोस्तों इनके कैटेगराइजेशन के बारे में बात करेंगे, यानी जो मेडिकल डिवाइसेज होती हैं उनको किस प्रकार से कैटेगराइज किया गया है उनको हम पढ़ेंगे। तो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी, इनको 4 टाइप से डिवाइड किया गया है। और इनका रिस्क लेवल है लो रिस्क, लो मॉडरेट रिस्क और मॉडरेट हाई रिस्क, और हाई रिस्क के आधार पर इनको डिवाइड किया गया है जो आपकी मेडिकल डिवाइसेज होती हैं। जैसे आपका लो रिस्क में आता है जो थर्मोमीटर होता है, भाई आपका लो रिस्क में आता है, उसका कोई ज़्यादा रिस्क नहीं होता। अगर कोई यूज़ कर रहा है तो पेशेंट के लिए ज़्यादा रिस्क नहीं होता है, और जो प्रैक्टिशनर यूज़ करता है उसके लिए भी कोई ज़्यादा रिस्क नहीं होता है। फिर उसके बाद लो मॉडरेट रिस्क, जो हाइपोडर्मिक नीडल्स होती हैं वे आपकी लो मॉडरेट रिस्क के अंदर आती हैं, यानी उनका यूज़ करने से थोड़ा रिस्क हो सकता है, थोड़ा रिस्क हो सकता है। और उसके बाद मॉडरेट हाई रिस्क, जैसे आपके जो लंग्स वेंटिलेटर यूज़ किए जाते हैं उनका, यानी थोड़ा हाई रिस्क हो सकता है। और हाई रिस्क में आपके हार्ट वाल्व्स, यानी कोई पेशेंट होता है उसके हार्ट वाल्व्स को चेंज किया जाता है, तो दोस्तों उसमें जो डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं तो उनका रिस्क हो सकता है। तो यही आपका मेडिकल डिवाइसेस के बारे में चैप्टर है, कि मेडिकल डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, क्या क्या उनके जो है रिस्क होते हैं, तो उनके बारे में आपको देखना। तो दोस्तों आपको फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स के चैप्टर नंबर 21 में बस इतना ही पढ़ना है एग्जिट एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि एग्जिट में आपकी थ्योरी नहीं पूछी जाएगी, उसमें केवल शॉर्ट थ्योरी इसलिए पढ़ाई जा रही है जिससे आपको मल्टीपल समझने में दोस्तों हेल्प हो सके। और इसी वीडियो में दोस्तों चैप्टर नंबर 20 की जो शॉर्ट थ्योरी है उसको भी कम्प्लीट कर देंगे। और दोस्तों प्रॉपर चैनल पर भी मल्टीपल चॉइस की वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स हो गया, चाहे हॉस्पिटल फार्मेसी हो गया, चाहे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो गया, फार्मास्यूटिक्स हो गया। और दोस्तों ऐप देव फार्मेसी के जो ऐप है वहाँ पर आपको टोटल PDF, वहाँ पर आपको मॉडल पेपर, टेस्ट पेपर, जितना भी एग्जिट एग्ज़ाम के लिए तैयारी कराई जाएगी सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो जल्द से जल्द आप ज्वाइन करें और अच्छे से अपनी तैयारी भी करें। तो चैप्टर नंबर 20 आपका है इंट्रोडक्शन टू द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, यानी जो आपका 2005 में आपका यानी जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया था उसके बारे में आपको पढ़ना होगा, यानी आपदा प्रबंधन अधिनियम, इसको हिंदी में कहा जाता है। किसी भी आपदा के टाइम यानी उसका प्रबंधन करना, तो उसी को कहा जाता है आपदा प्रबंधन अधिनियम। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, बहुत इजी आपके ये चैप्टर है, इनको आप पढ़ेंगे आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे और आप इनको एग्जाम में अच्छे से डिफाइन भी कर पाएंगे। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों बात करते हैं यानी इसके डेफिनेशन की, कि किसी भी एरिया में नेचुरल, मैनमेड और बाई एक्सीडेंट कोई तबाही, दुर्घटना या विपत्ति आती है। यानी कोई भी एरिया हो गया, वहाँ पर नेचुरल तरीके से या मैनमेड यानी जो मनुष्य के द्वारा यानी वर्क किए जाते हैं उनके द्वारा, या बाई द एक्सीडेंट किसी भी अचानक दुर्घटना के कारण कोई भी विपत्ति आ जाती है जिसमें ह्यूमन की लाइफ लॉस हो जाती है, यानी ह्यूमन की डेथ हो जाती है, और उसके बाद प्रॉपर्टी की हानि होती है, इन्वायरमेंट को हानि पहुँचती है, जिसको कहा जाता है डिज़ास्टर।
यानी डिजास्टर मीन्स आपदा। तो दोस्तों कोई भी यानी नेचुरल तरीके से, मैनमेड तरीके से, या कोई भी एक्सीडेंटल तरीके से कोई भी विपत्ति आ जाए जिसमें ह्यूमन की लाइफ का लॉस हो जाए, या प्रॉपर्टी की हानि हो जाए, या इन्वायरमेंट को हानि पहुंचती है, तो उसको डिजास्टर कहा जाता है। और डिजास्टर से निपटने के लिए 2005 में एक एक्ट तैयार किया गया जिसे क्या कहा जाता है, द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, जो एक्ट इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा पास हुआ था। और उसके बाद ये जो आपका एक्ट था यानी 23 दिसंबर 2005 को पास हुआ था। तो दोस्तों यही आपका है यानी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, यानी प्राकृतिक आपदाओं, मनुष्य के द्वारा जो यानी वर्क किए जाते हैं उनके द्वारा अगर कोई आपदा आ जाती है, जैसे आपके चक्रवात होते हैं, बाढ़ आ जाना, तो दोस्तों ये सब प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। और उसके बाद ज्वालामुखी का फटना, इसके कारण यानी मनुष्य की हानि हो जाती है, यानी मनुष्य की डेथ हो जाती है, प्रॉपर्टी की हानि हो जाती है। तो दोस्तों उससे निपटने के लिए यानी 2005 में एक एक्ट बनाया गया जिसको कहा गया द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जिसको इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया और ये पूरे इंडिया में वर्क करेगा। तो इस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, देखिए दोस्तों प्राकृतिक आपदा से इफेक्टिव तरीके से निपटना ही इस एक्ट का उद्देश्य है, यानी जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उनसे इफेक्टिव तरीके से यानी अच्छे से उनको कंट्रोल करना दोस्तों इस एक्ट का ऑब्जेक्ट है। और इसको इसलिए बनाया गया है यदि कभी डिजास्टर आता है तो लोगों की जान माल की हानि कम हो, यानी इस एक्ट में बहुत लोग वर्क करते हैं, पूरी कमेटी वर्क करती हैं, जिससे जो दोस्तों को यानी जो आप जो लोग होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके, उनकी प्रॉपर्टी को बचाया जा सके, जो भी उनके लिए हेल्प कर पाएंगे यानी वो लोग जो हेल्प कर पाएंगे वह की जाएगी। तो ये इसका हो गया ऑब्जेक्ट। फिर बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल अथॉरिटी, यानी इसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं, तो दोस्तों इसी के बारे में बात करेंगे। तो इसमें एक्स ऑफिस को मेंबर कौन होता है, देखिए दोस्तों द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु शैल बी द चेयर पर्सन ऑफ द नेशनल अथॉरिटी। तो दोस्तों इसमें नेशनल अथॉरिटी को बनाया जाता है, तो नेशनल अथॉरिटी का जो चेयर पर्सन होता है वह इसमें कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जो होगा वह इसका एक्स ऑफिस को मेंबर होगा। और उसके बाद नॉमिनेटेड मेंबर, इसमें नॉमिनेटेड मेंबर कितने होते हैं नेशनल अथॉरिटी में, तो इसमें 9 मेंबर होते हैं। और उसके बाद वन ऑफ द मेंबर नॉमिनेटेड एज वाइस चेयरपर्सन, और उसके बाद जो आपके 9 मेंबर होते हैं यानी जो 9 मेंबर होंगे उनमें से एक पर्सन को जो है वाइस चेयरपर्सन के रूप में जो है इसको यानी चुना जाएगा। तो ये इसके हो गए मेंबर के बारे में बात। फिर बात करते हैं यानी फीचर ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, यानी द फॉलोइंग गवर्निंग बॉडीज एज इस्टेब्लिश्ड बाई DMA यानी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। तो इसमें आपको फीचर के बारे में पढ़ना होगा। तो अभी तक जो है इसमें आपको अथॉरिटीज़ के बारे में पढ़ना होगा और जो जो अथॉरिटीज़ इंडिया के अंदर बनाई गई हैं उनके बारे में पढ़ना होगा, क्या क्या फ़ीचर इसमें रखे गए हैं तो उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। तो दोस्तों जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है इसमें अभी हमने आपको बताया इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, यानी इसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं उनके बारे में बता दिया। फिर बात करेंगे कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है इसमें कई अथॉरिटीज़ होती हैं, तो दोस्तों उन अथॉरिटीज़ को आपको पढ़ना होगा, कौन कौन सी अथॉरिटी क्या वर्क करती है उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। तो सबसे पहले इसमें आएगी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यानी इसका चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है, और जो इसमें मेंबर होंगे उनका कार्यकाल कितना होगा, 5 ईयर उनका कार्यकाल होगा, वर्किंग यानी टाइम होगा। और उसके बाद जो मेंबर होते हैं इनका वर्क होता है पॉलिसी बनाना, यानी जो भी यानी डिजास्टर से रिलेटेड जो भी पॉलिसी है उनको तैयार करना। और टोटल मेंबर इसमें होते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में 10 मेंबर होते हैं, जिसमें से एक मेंबर वाइस चेयरपर्सन होता है, यह आपका होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। फिर बात करते हैं सेकंड आपकी है नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, जिसको NEC कहा जाता है। इसको पावर सेंटर, जो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से प्राप्त होती है, यानी जो आपकी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है इसको पावर कहाँ से प्राप्त होती है, पावर जो होती है इसकी वह सेंट्रल गवर्नमेंट से प्राप्त होती है, और इसका गठन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाता है, जो आपकी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी है। दोस्तों ये सब आपकी जितनी भी कमेटी हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर ही आती हैं, इनको वर्किंग एरिया के हिसाब से बनाया गया है। और ये कमेटी सलाहकार के रूप में वर्क करती है, इसके मेंबर हेल्थ और पावर, फाइनेंस, एग्रीकल्चर और मिनिस्टर्स होते हैं। जो भी इसमें मेंबर होंगे भाई जो हेल्थ से यानी जो हेल्थ कमेटीज़ बनाई गई उसके मेंबर होंगे, और उसके बाद जो यानी इसमें कुछ पॉलिटिकली जो पावर होती है पावर मैन होते हैं भाई इसके मेंबर होते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड जो मेंबर होते हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो होते हैं भाई नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर होते हैं। और उसके बाद एक कमेटी होती है आपकी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यह स्टेट लेवल की कमेटी होती है, और इसके चीफ पर्सन जो होते हैं चीफ मिनिस्टर और उनके साथ में
8 सलाहकार होते हैं दोस्तों। अगर किसी भी एरिया में जब जो डिजास्टर आता है तो ये जितनी भी कमेटीज बनाई गई हैं ये अपने तरीके से अपना वर्क करती हैं, यानी जो आपकी एग्जीक्यूटिव कमेटी है ये सलाह के रूप में वर्क करती है, किस प्रकार से कोई वर्क करना है, किस प्रकार से किसी को हेल्प पहुंचाना है, ये इस प्रकार से वर्क करती है। और स्टेट में किसी स्टेट में कोई डिजास्टर आ जाता है तो वहाँ पर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वर्क करेगी। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी होती हैं आपकी, यानी इसको जो चेयरपर्सन होता है वह डिस्ट्रिक्ट का जो कलेक्टर होता है यानी जो आईपीएस ऑफिसर होता है, और उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वह इसका जो है चेयरपर्सन होता है। और वहाँ डिस्ट्रिक्ट में जो भी जिस प्रकार का कोई डिजास्टर आता है या कोई प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ज़्यादा बारिश हो जाती है तो दोस्तों जो यानी किसान लोग होते हैं उनका खेती ख़राब हो जाता है तो दोस्तों उसमें हेल्प करने का वर्क करता है ये वाला आपका डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये ओनली डिस्ट्रिक्ट में ही अपना देखता है। और उसके बाद नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, एक आपकी फोर्स को भी तैयार किया जाता है इसी एक्ट के अंदर, यानी एनडीआरएफ, एनडीआरएफ की फोर्स होती है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। कहीं पर भी जानलेवा आपदा आ जाती है तो ये टीम जो होती है सबसे पहले यहाँ पर पहुँचती है। कहीं पर भी जानलेवा अगर आपदा आ जाएगी तो यह जो टीम होगी वहाँ पर सबसे पहले पहुँचती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट किया जाता है, उसके अनुसार ये टीम वर्क करती है। इस टीम में एक डायरेक्टर जनरल होता है, उस जो डायरेक्टर जनरल होता है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और उस डायरेक्टर जनरल के अनुसार ही पूरी टीम